हेलो गाइस, वेलकम टू कुकला प्लाजा। मैं हूं अंतरा और आज मैं बनाने जा रही हूं एक पॉपुलर स्ट्रीट फूड चिकन चाउमीन। रेस्टोरेंट में जाने के बाद सबसे पहले लोग चाउमीन ही ऑर्डर करते हैं। आज मैंने चिकन चाउमीन का थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में बनाई है। इस चाउमीन में ज़्यादा तेल और मसाला को मैंने नहीं डाला है। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आती हो तो आप लोग नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। चिकन चाउमीन बनाने के लिए सबसे पहले चिकन को फ्राई कर लेंगे। मैंने यहाँ पर 150 ग्राम बोनलेस चिकन को लिया है और ऐसे लंबे लंबे शेप में काट लिया है। अब यहाँ पर मैं एक अंडा, दो बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डाल के सारी चीज़ों को एक साथ मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम 5 मिनट तक रख देंगे। 5 मिनट के बाद मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गरम कर लिया है और एक एक करके हम सारे चिकन पीसेस को तेल में डाल देंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक हम चिकन को फ्राई कर लेंगे। तो 10 मिनट फ्राई करने के बाद चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। अब हम चिकन पीसेस को निकाल लेंगे। तो चलिए अब चाउमीन बनाना शुरू करते हैं। मैंने कढ़ाई को गरम कर लिया है। अब कढ़ाई गरम होने के बाद यहाँ पर मैंने एक बड़ा चम्मच तेल को डाल दिया है और तेल गरम होने के बाद यहाँ पर मैंने एक प्याज को लंबे लंबे शेप में काट लिया है, इसे डाल देंगे। और लंबे लंबे शेप में मैंने गाजर को डाल दिया है। एक कप गाजर को डाल के हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। करीबन 2 मिनट फ्राई करने के बाद यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्च को छोटे छोटे पीस में काट लिया है, इसे भी डाल देंगे। यहाँ पर मैंने एक कप पत्ता गोभी को काट के रखी है, इसे भी डाल देंगे। तो करीबन सारे सब्जी 5 से 10 मिनट तक फ्राई करने के बाद अच्छी तरह से तैयार हो गई है। अब यहाँ पर मैं एक चम्मच सोया सॉस को डाल दूंगी। सोया सॉस डालने के बाद सारे सब्जी को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। फ्राई होने के बाद यहाँ पर मैं स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर डाल दूंगी। अब यहाँ पर बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च को डाल देंगे। मैंने सारे सब्जी को लंबे लंबे शेप में काट लिया है तो इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आती है। तो 2 से 3 मिनट तक सब्जी अच्छी तरह से फ्राई होने के बाद अब यहाँ पर जो मैं चिकन पीसेस फ्राई करके रखी थी उसे डाल देंगे। मैंने चिकन पीसेस को बीच में से 2 भाग करके काट लिया है। अब ये चिकन के साथ सारे सब्जी को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मैंने चाउमीन में थोड़ा सा नमक और तेल मिला के अच्छी तरह से उबाल लिया था। अब हम चाउमीन को सब्जी में डाल देंगे और अच्छी तरह से सब्जी के साथ मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा शक्कर मिला सकते हैं, इससे स्वाद बहुत बढ़िया आती है। तो देखिए, आप लोग बहुत आसान तरीके से चिकन चाउमीन घर पर तैयार कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा तेल मसाला मैंने नहीं डाली है और इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया लगती है। अगर आप लोग चाहे तो इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर मिक्स कर सकता है तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती हो तो आप लोग मेरी वीडियो के नीचे लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। और इस तरह की और भी वीडियो देखने के लिए आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले नए रेसिपी के साथ। थैंक यू।